नमस्कार, मैं प्रज्ञा, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आजकल हमारे जो आसपास है, आपने बहुत चीज़ फेमस हो गए हैं, एमबीए चाय वाले, ग्रेजुएट चाय वाले, इस तरह के आपने कई नाम सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एमबीए मखाना वाले से। जी हाँ, यहाँ पे ज्ञान भवन में, गांधी मैदान के ज्ञान भवन में एक स्टॉल लगा है एमबीए मखाना वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि आखिर इनमें खास क्या है, क्या ये भी चाय वाले से प्रेरित होकर ऐसा कुछ खोले हैं, इनका आगे का प्लानिंग क्या है, हम सब कुछ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस स्टॉल की कहानी क्या है, इतने अट्रैक्टिव नाम रखने के पीछे का कारण क्या है, किन से प्रेरित होकर इन्होंने ये नाम रखा, हम सब कुछ जानते हैं, आइए बात करते हैं। तो सर, आप अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। ओके, मेरा नाम भरत रंजन है और मैं दरभंगा बिहार से हूँ, और ये हम लोग नया स्टार्टअप लिया है एमबीए मखाना, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एमबीए मखाना। और हमारे साथ है मिस्टर श्रवण कुमार राय, वो एमबीए है और फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी है, और उन्होंने ये चाहा है कि जितने भी पैन इंडिया में जितने भी फूड, ये जंक फूड्स हैं, उसको हम रिप्लेस करें, उसको हम उसको अच्छे फूड में, मतलब सुपर फूड में रिप्लेस करें। तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्टअप लिया है ये एमबीए मखाना। सर, तो अभी बहुत ट्रेंड में है एमबीए चाय वाली, ग्रेजुएशन चाय वाली, तो कहीं ना कहीं से प्रेरित होकर आपने ये नाम रखा है कि आपने पहले से ऐसा सोच रखा था कुछ? ये एक ट्रेंड चला हुआ है या जो भी है, जैसा भी है, लेकिन हम लोग, हमारे साथ जो श्रवण कुमार राय है, वो उन्होंने एमबीए कर रखा है और ये साथ में फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी है, तो हम लोगों ने सोचा कि ये नाम देकर हम लोगों में बता सकते हैं कि हाँ, हम ये जंक फूड को छोड़ कर हम ये सुपर फूड की तरफ बढ़ सकें। तो आपने जैसा बताया कि सुपर फूड, जंक फूड को छोड़ना है, तो उसमें आपके प्रोडक्ट्स में ऐसे क्या खास चीज़ है, मतलब कौन से ऐसे फ्लेवर है जिससे स्वास्थ्य अच्छा होगा या फिर कुछ ऐसा? एक्चुअली मखाना अपने आप में ही है, दुनिया जानती है, कहने वाली बात नहीं है कि हाँ, मखाने में कितने प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जितने भी सारे जो अच्छे तत्व हैं वो सारे हैं, और ये वर्ल्ड वाइड भी स्प्रेड हो रहा है। हम लोग एक्चुअली एमबीए मखाना के थ्रू हम लोग मखाना कुल्फी, मखाना शेक या मखाना के 16 रेसिपी, जैसा कि आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पे ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने फ्लेवर बनाए हैं, मखाना खीर, मखाना लड्डू, और इस तरीके से आप देख पाएंगे साउथ इंडिया में भी जो मखाना डोसा होता है, वो सब हम लोग इन 16-17 रेसिपी के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, और हम लोग ये स्टार्टअप लेने वाले हैं, शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ नॉर्मल मखाना ही नहीं, बल्कि मखाना के केक मिल जाएंगे, मखाना के शेक मिल जाएंगे, मखाना के कॉफ़ी भी आप यहाँ देख सकते हैं, कॉफ़ी लिखा है, फिर यहाँ मखाना चाय है। अगर आप चाय प्रेमी हैं तो ये जगह, मतलब ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, चाय भी पीजिए, सेहत भी लीजिए और स्वास्थ्य भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, चीज़, मिर्च है, अलग अलग फ्लेवर, टैंगी टमाटर, और ये रहे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार। जी हाँ, देखिए इन्हें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्हें प्रधानमंत्री और डीएम के द्वारा मेडल भी दिया गया है बिज़नेस पर्पस के लिए। उसके बाद आप यहाँ देखिए, इन्हें बिहार स्टार्टअप 2022 के लिए भी चुना गया है। आजकल ऐसे भी बिहार स्टार्टअप के लिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, 10 लाख युवाओं को दे रही है, जिसमें से सिर्फ उन्हें 5 लाख ही लौटाना पड़ेगा, बाकी 5 लाख से वो अपने घर को चला सकते हैं, अपने नए स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके, इसका रेस्टोरेंट भी खुल रहा है, तो ये कहाँ खुल रहा है, उसके में खास बात क्या है, और आपको लगता है कि इस टाइप का रेस्टोरेंट मार्केट में चलेगा आज के समय में, क्योंकि आजकल लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं और सोचते हैं कि वो सब चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है खाने में, तो आपको क्या लगता है ये चल पाएगा? ये ज़रूर चलेगा, क्योंकि हम लोग जो सेंस बनाए हुए हैं कि हाँ, सुपर फूड की तरफ हम लोग मोड़े लोगों को, और इस पर हम लोग बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इसमें सरकार की भी मदद ले रहे हैं, आप जैसे मीडिया को का भी मदद ले रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि हम सुपर फूड की तरफ मुड़े। तो इसके फाउंडर्स कौन हैं? जैसा कि हमने इस लिस्ट में देखा था, यहाँ इसके 4 फाउंडर, जी मैंने सही कहा? Yes. जी, तो इसमें से पहला नाम है श्रवण कुमार रॉय का, रुचि मंडल, और ये 4 अलग अलग लोग हैं। तो ये चारों एमबीए कर रखे हैं या फिर कुछ अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई कर रखी है इन दोनों ने, एक साथ, इन चारों ने एक साथ मिलकर अपना स्टार्टअप किया, इन चारों में क्या कुछ सिमिलैरिटीज़, क्या खास बात थी? इसमें इंजीनियर श्रवण कुमार राय, ये एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है और साथ में इन्होंने एमबीए भी कर रखा है जी। दूसरा इंजीनियर रुचि मंडल है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करके उन्होंने सैमसंग इंडिया में जॉब भी किया हुआ है, और साथ में मिस्टर भरत रंजन है, जो कि मैं हूँ, और मेरे पास 12 साल का कॉरपोरेट में एक्सपीरियंस है,
और इंजीनियर गार्गी सारा जो कि ये IIM रोहतक में अभी स्टडी कर रही है और साथ साथ यहाँ भी स्टार्टअप उन्होंने लिया है जी। तो आपका ये रेस्टोरेंट कहाँ खुल रहा है? ये फर्स्ट रेस्टोरेंट हम लोग गोरखनाथ मंदिर में हम लोग स्टार्टअप ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग धीरे धीरे लोगों में हमें स्प्रेड करेंगे और इसका फ्रेंचाइजी भी हम लोग देंगे। अच्छा, मतलब गोरखनाथ मंदिर में इसको खोल रहे हैं ताकि वहाँ के जो भक्त जन रहे उन्हें ये मुहैया करवाया जा सके आपके थ्रू। यस यस मैम। अच्छा, और यहाँ पे हमने देखा है कि ये तस्वीर, ये किसकी तस्वीर है यहाँ MBA मखाना वाले के ऊपर, ये किसकी तस्वीर है? ये इंजीनियर श्रवण कुमार रॉय की तस्वीर है जी। मतलब मेन फाउंडर यही है इसके? एक्चुअली हम चारों लोगों ने मिलकर ये स्टार्टअप लिया और हम चाहते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छे, मतलब लोगों की सेवा में अच्छे सुपर फूड को हम उनको सर्व कर रहे हैं। तो आपके स्टॉल पे, जैसा कि नाम भी है MBA मखाना वाला, तो आपके स्टॉल्स पे जो प्राइसिंग क्या है मखाने के, आपके अलग अलग छोटे पैकेज भी दिख रहे हैं, बड़े पैकेज भी दिख रहे हैं, उसके बाद सारे फ्लेवर्स अलग अलग हैं? ये फ्लेवर्ड मखाना है, ये 9 फ्लेवर्स में हम लोगों ने लॉन्च किया है और साथ में जैगरी मखाना है, ये आपको मखाना पाउडर है उस साइड में, आप देख सकते हैं उस साइड में, दैट साइड देख सकते हैं वहाँ पे, ये हम लोगों ने दिखाया है। और फिर हम लोग छोटे छोटे पाउच में भी और प्लेन मखाने को भी हम लोगों में सर्व कर पा रहे हैं, मखाना पाउडर भी है। तो उस पाउडर में मतलब क्या, उसको घोल के दूध के साथ या फिर पानी के साथ पीने का ऐसा कुछ है? मखाना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप दाल में, सब्जी में या आप दूध में या कहीं भी आटे में मिलाकर उसकी रोटी बना सकते हैं, जिससे कि मतलब जो भी खाने वाला बंदा हो उसके शरीर में वो डायरेक्ट वो कंज्यूम कर सके, उसको एनर्जी मिले। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे आज हम आए हैं MBA मखाना वाले के पास, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, मतलब यहाँ के चार फाउंडर हैं, चारों लोग मिलके एक साथ इसका इनॉग्रेशन किए हैं, इसे नए जगह पे ले जाना चाहते हैं। इनका रेस्टोरेंट भी खुलने वाला है, वहाँ पे न सिर्फ आपको सिर्फ मखाना बल्कि मखाना से बनने वाले कई डिशेज भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे एक बारी और यहाँ देखिए कि आपने मखाना, MBA चाय वाला, MBA पकौड़ा वाला, ग्रेजुएशन चाय वाली, बहुत सारे आपने टेस्ट किए होंगे, आजकल बहुत ट्रेंड में भी है MBA चाय वाले लोग और ग्रेजुएशन चाय वाली। तो एक बार आइए, इन्हें भी अपना सपोर्ट दीजिए, टेस्ट कीजिए और फिर बताइएगा ज़रूर कि आपको यहाँ का मखाना कैसा लगा। इसके प्राइसिंग भी आपके पॉकेट के खर्च के हिसाब से हैं, आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे छोटे से लेके बड़े पैकेज में भी सब कुछ मिल जाएंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार ज़रूर आइए और यहाँ मखाने का स्वाद ज़रूर लीजिए। ये मत भूलिएगा। धन्यवाद। मैं प्रज्ञा कुमारी।